आज फिर तुम पर प्यार आया है, एपिसोड 4। गेस्ट रूम में कामनी को छोड़कर राहुल आया तो आते ही उसने एक पैग लिया। वो वाकई परेशान था। परेशानी की वजह थी उस पर लगा आरोप। अरुण नाम की लड़की ने जो आरोप लगाया वो सरासर झूठ था, लेकिन राहुल ये बात साबित कैसे करें? उसके बारे में कैसा नोवा होने या वुमेनाइजर होने के आरोप लगते रहे थे, लेकिन असलियत राहुल ही जानता था। वो अंदर से बहुत अकेला था, इतना अकेला कि हर प्यार जताने वाली लड़की को मौका जरूर देता था, लेकिन उसकी परीक्षा में कोई लड़की टिक ही नहीं पाती थी। उसे एहसास होता था हर लड़की सिर्फ उसकी दौलत के पीछे है, और यहीं से उसका ब्रेकअप हो जाता था। कितनी ही लड़कियां आईं, लेकिन कोई राहुल की परीक्षा को पार कर उसके दिल में उतर नहीं पाई। लेकिन इन घटनाओं ने राहुल को अच्छा खासा बदनाम कर दिया था, और इस बदनामी ने उसे और अकेला कर दिया था। लेकिन कामनी इतने सालों में उसके पास से नहीं ली, न जाने कितनी लड़कियां आईं, लेकिन कामनी उसकी सेक्रेटरी ही नहीं, दोस्त और हमराज बनकर साथ खड़ी थी। आज की घटनाओं के बाद राहुल सोच रहा था, शायद उसी ने कामनी को समझने में गलती की है, शायद उसकी हमराज कामनी दोस्त से बहुत ज्यादा है। राहुल कंफ्यूजन में था। उसने अपने दोस्त साहिल को फोन लगाया। बधाई हो भाई, हमें तो बताया ही नहीं। राहुल, किस बात की बधाई? राहुल चौंक गया। यार तूने टीवी नहीं देखा? कामनी के सपोर्ट ने तेरा केस स्ट्रॉन्ग कर दिया है, साहिल ने कहा। राहुल ने तुरंत टीवी ऑन किया। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज में बिजनेसमैन राहुल सिंघानिया पर लगे आरोपों की खबर चल रही थी। एक तरफ ग्राफिक्स में आरोप चल रहे थे, वहीं कामनी का बेहद स्ट्रॉन्ग बयान चल रहा था। सारे आरोप बेबुनियाद हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, तस्वीरें गलत मंशा से खींची गई हैं, मेरे फियांसे राहुल सिंघानिया पूरी तरह निर्दोष हैं, मैं उस वक्त राहुल के ही साथ थी, दैट्स इट। साथ ही दोनों के गले मिलते और किस करने की तस्वीरें भी चल रही थी। पूरी तस्वीर देखकर लग रहा था जैसे राहुल पर गलत आरोप लगाए गए हैं। सही कह रहा है, कामनी ने कमाल कर दिया है, राहुल के चेहरे पर मुस्कान आई। जब फियांसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो तो आरोप झूठे ही लगेंगे ना, साहिल ने हंसते हुए कहा। अरे यार, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए कामनी ने बोला, यू नो, राहुल ने झेपते हुए कहा। पर उसमें गलत क्या है? कामनी और तेरी जोड़ी अच्छी लगती है यार, सोचना इस पर, साहिल ने कहा। वो अरु का पता लगा? राहुल ने पूछा। यार कामनी पता लगा लेगी, भरोसा रख उस पर, साहिल ने समझाया। ओके, कहते हुए राहुल ने फोन काट दिया, लेकिन साहिल की बातों ने उसे और भी सोच में डाल दिया। राहुल अपना पैक खत्म करते करते टीवी पर चैनल बदल बदल कर देखता रहा। फिर उसने सोशल मीडिया को खंगाला। यहाँ भी चर्चा का रुख अचानक बदल गया। अचानक ही अरु के बयान देकर एफआईआर न दर्ज करवाने पर सवाल उठने लगे थे। पब्लिक की सोच राहुल के पक्ष में होती जा रही थी। हालांकि जिस विजय चौकसी के चक्कर में पूरा मामला शुरू हुआ, वो बहस का मुद्दा कहीं था ही नहीं, पूरी तरह खबरों से गायब था। खेल गए चौकसी भाई, बड़े खिलाड़ी हैं, राहुल ने अपने आप से कहा। कुछ देर कमरे में बिताने के बाद जीतू काका राहुल के लिए शाम की चाय लेकर आए। बाबा, फिर आपने लेनी शुरू कर दी, जीतू काका बोले। सॉरी काका, बहुत टेंशन थी, राहुल ने कहा। राहुल को जितना नकचढ़ा माना जाता था, जीतू काका के लिए वो उतना ही शांत और अच्छा बच्चा था। जीतू काका उसे उसके मम्मी पापा से जोड़ने वाली आखिरी कड़ी थे, यही वजह है जीतू काका पर राहुल को बहुत भरोसा था। बेटा, वो न्यूज़ तो हमने भी देखी, आपके पापा होते तो कहते जिंदगी में जीतता वही है
जो छिपाई जा रही चीजों को देख लेता है। अब बाकी आप तो समझदार हैं ही। जीतू काका चाय रखकर जाने लगे। काका वो साथ वाले कमरे में कामनी भी है, प्लीज उसे भी नाश्ता दे देना, राहुल ने कहा। बेटा ये भी कोई कहने की बात है, इस घर में आने वाला हमेशा हमारे लिए भगवान है, जीतू काका ने कहा। राहुल के चेहरे पर फीकी स्माइल आई। राहुल जानता था कि काका कभी कोई सुझाव नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो उसके मायने होते हैं। उसके पास मैनेजमेंट की डिग्री होगी, लेकिन काका के पास जिंदगी का ज्यादा अनुभव है, शायद पिता से मिली सीख भी है। अपने पिता की सीख राहुल कभी भूला नहीं। बिजनेस में उसकी कामयाबी की वजह भी यही थी। राहुल वो मौके भी देख लेता था जो बाकी लोग देख नहीं पाते थे। कामनी राहुल की सोच को लागू करने में मदद करती थी, इसीलिए ये जोड़ी हिट हो रही थी। राहुल बेहद अनमना था, उसने अब तक फॉर्मल ड्रेस भी नहीं बदली थी। सोच कर उसका दिमाग और खराब हो रहा था। वो कभी फोन की स्क्रीन देख रहा था, कभी टीवी की। इसी के साथ वो पैक भी ले रहा था। वो इन सब में इतना खोया था कि वक्त का पता ही नहीं चला। बाहर सूरज डूब रहा था, अंधेरा होने लगा था, तभी कमरे में कामनी नॉक करती है। दरवाजा खुला है तो नॉक किस लिए, राहुल ने पूछा। सेक्रेटरी की ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है, बिना नॉक के कभी दाखिल नहीं हो, पता नहीं बॉस क्या कर रहे हो, कामनी ने हंसते हुए कहा। अरे यार अकेला बैठकर क्या करूंगा, राहुल का चेहरा बुझा हुआ था। वैसे अब अकेले नहीं हो राहुल, मैं भी साथ हूं, कहते हुए कामनी ने दरवाजा बंद कर दिया। राहुल के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई। कम से कम मुस्कुराए तो सही, तुम्हें नहीं पता मेरे लिए ये मुस्कान कितनी मायने रखती है, कामनी ने कहा। राहुल की आंखों में नशा साफ साफ नजर आ रहा था। ओह तो अकेले अकेले पैग मार रहे हो, मुझे ही बुला लिया होता, कामनी ने कहा। राहुल ने कामनी को गौर से देखा, वो ड्रेस चेंज कर चुकी थी, उसने एक लंबी सी टी शर्ट पहनी हुई थी, कुछ और नहीं, पैरों में एक स्लीपर था। कामनी ने उसे देखा। क्या करूं, तुम्हारी अलमारी में कुछ और था ही नहीं, अब वो सेक्रेटरी वाले गेटअप में पूरी रात नहीं रह सकती ना, कहते हुए कामनी राहुल के पास बैठ गई और उसका गिलास उठाकर पीने लगी। राहुल कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ देख रहा था। क्या देख रहे हो, पहले कभी देखा नहीं क्या, कामनी ने कहा। ऐसे नहीं देखा, सही में खूबसूरत लग रही हो, राहुल ने कहा। थैंक यू, तो मुझे हमेशा सेक्रेटरी की तरह साथ रखते हो, कभी ध्यान ही नहीं देते, कामनी ने कहा। राहुल मुस्कुराया। लग रहा है तुम्हारे तरीके ने काम कर दिया है, पब्लिक परसेप्शन वाकई में बदल गया है, राहुल ने कहा। मुझे पता था अपने राहुल को बचाने के लिए मुझे क्या करना है, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती, कामनी ने कहते हुए राहुल के सीने पर सिर रख दिया। राहुल ने विरोध नहीं किया, वो सिर को सहलाने लगा। कुछ ही देर में उसके हाथ कामनी की पीठ को सहलाने लगे। कामनी ने राहुल को कसकर बाहों में भर लिया। राहुल ने अपना चेहरा कामनी के सिर पर टिका दिया और एक किस सिर पर की। कामनी ने अपना चेहरा उठाया और राहुल के होठों पर होंठ रख दिए। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे में डूबे रहे। एक लंबी किस में राहुल पूरी तरह कामनी में खो गया। कुछ देर के लिए वो सब भूल गया, बिजनेस, बदनामी, टेंशन, टीवी, अखबार, सब। उसकी सांसें तेज हो रही थी, उसने कामनी के चेहरे को हाथों में भर लिया। दोनों मदहोशी में किस कर रहे थे, राहुल और कामनी एक नशे में डूबते जा रहे थे। राहुल के हाथ कामनी के बदन पर मचलने शुरू हो गए। कुछ ही देर में कामनी ने राहुल की शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों हड़बड़ाकर अलग हो गए। दोनों के चेहरे पर हवाएं उड़ी हुई थी। राहुल ने तुरंत
शर्ट के बटन बंद करने शुरू कर दिए तो वहीं कामनी ने अपनी टी शर्ट ठीक की। वो उछल कर खड़ी हुई, बाल संभालती हुई दरवाजे पर गई और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर जीतू काका थे। बाबा खाना ले आऊं? जीतू काका ने पूछा। राहुल थोड़ा सक पकाया हुआ था, हल्के नशे में भी था। मुझे तो भूख नहीं है। कामनी तुम्हारे लिए मंगवा दूं? राहुल ने कहा। हाँ बस आधे घंटे में खाते हैं, कामनी ने कहा। जीतू काका जवाब सुनकर लौट गए। कामनी मन ही मन गालियां दे रही थी, वही राहुल के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उसने सर खुजाया। सॉरी कामनी, कुछ ज्यादा ही हो रहा था, राहुल ने कहा। कामनी ने फीकी सी मुस्कान दी, शायद वो भी इस लम्हे को बेताबी से चाहती थी। कुछ देर दोनों के बीच अबारू और टीवी पर आ रही खबरों पर चर्चा होती रही। आधे घंटे बाद खाना आया और दोनों ने खाना खाया, लेकिन रात अभी बीती नहीं थी और कामिनी राहुल के कमरे में ही थी। क्या पता रात क्या गोल खिलाएगी, जानेंगे अगले एपिसोड में।